442। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी नकारात्मक सोच को आपको सकारात्मक बदलते हैं, आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं, उससे आपको सार्वभौम सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। और जब आपको सनातन सत्य प्राप्त हो जाता है तो उसकी निष्पत्ति, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम होता है, आपको शाश्वत सुख मिलता है, ब्लिस मिलता है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है और ब्लिस को प्राप्त करना मानव मात्र का उद्देश्य है, क्योंकि मानव के अतिरिक्त कोई भी प्राणी ब्लिस को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आप तक आपको परोसते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर इस विषय का पालन व्यक्ति करता है तो उसका जीवन में ब्लिस उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज का हमारा विषय है निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। भाई और बहनों, निज दोष दर्शन का अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना, अपनी कमियों को देखना, अपने द्वारा किए गए पाप को देखना, अपने द्वारा की गई भूलों और गलतियों को देखना है, ये निज दोष दर्शन कहलाता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने पेपर लिया, पेन लिया और वो निकल पड़े कि मुझे आज सूची बनानी है शाम तक कि इस दुनिया के अंदर कौन कौन लोग बुरे हैं, खराब है। तो शाम तक उस पेपर के अंदर एक भी नाम नहीं आया। जब कबीरदास जी ने अपना आत्मलोचन किया, आत्म साक्षात किया, तो उनको मालूम पड़ा कि मेरे भीतर इतने दोष भरे पड़े हैं, शायद दुनिया के किसी व्यक्ति में नहीं हो। तो ये जो निज दोष दर्शन जो व्यक्ति करने लग जाता है, वो स्नेह स्नेह परमात्मा बन जाता है। दूसरा, जगत निर्दोष, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पर्यावरण, ये लोक, ये संसार, ये पृथ्वी, ये वर्ल्ड है, वह पूरा निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि जो मात्रा, जो जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान है, और उन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी वो अनकाउंटेबल है। तो वो सारे लोग मेरे लिए निर्दोष है। तो फिर दोष कहाँ है? दोष मेरे भीतर है, जो ये कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, जिसके कारण मुझे स्थूल शरीर मिला है, ये दोष है। जन्म जन्मांतर से हम कई प्राणियों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनके दोष देखते हैं, उनके अभिप्राय और ओपिनियन देते हैं, राग द्वेष को खड़ा करते हैं, राग द्वेष को बढ़ाते हैं। ये सारा क्या है? ये दोष का संसार, ये मोह का संसार है, ये वटवृक्ष है। मोह के सब ये जो है, ये संतान है मोह की। यानी जितनी बुराइयां हैं दुनिया में, सब मोह की संतान है। और जितनी भी अच्छाइयां इस दुनिया के अंदर है, वह जो है संभाव की संतान है। संभाव वाला व्यक्ति कभी भी जो सुख दुख को अलग अलग नहीं मानता, वो सुख दुख को एक जैसा मानता है। लाभ हानि और दूसरा तिरस्कार सम्मान, सर्दी गर्मी और ठंडा गर्म, और जो है वो अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, दोनों को एक सा मानता है। जब व्यक्ति दोनों को एक सा मानता है, संभाव, दोनों के प्रति एक सा भाव रखना, सम रखना, वो संभाव कहलाता है। और संभाव व्यक्ति का तीसरा नेत्र होता है। और जब संभाव की स्थिति खड़ी हो जाती है, व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है। थर्ड आई की बहुत चर्चा है हमारे दर्शनों के अंदर। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वह व्यक्ति जो है कंकर से शंकर बन जाता है, वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है, अगर लंबे समय तक उसके अंदर रहे तो। तो आज का हमारा जो विषय है वह यही विषय है, कंकर से शंकर बनने का विषय है, जीवात्मा से परमात्मा बनने का विषय है। और ये उसकी विधि है, बड़ी प्रामाणिक विधि है और बड़ी सरल विधि है। और इसमें सिर्फ हमारे शरीर को लेबोरेटरी बनाना है, बाहर का कोई साधन नहीं लेना है बिल्कुल।
भीतर हमारी सोच को और हमारे चिंतन को सही करना है, सोच को सही करना, समझ को सही करना, यही दर्शन कहलाता है। और यही वास्तव के अंदर सबसे बड़ी प्रक्रिया होती संभाव प्राप्त करने की। तो जगत निर्दोष, पूरा जगत निर्दोष है। जगत में कितने जीवात्माएं हैं, यानी कितने जीवित प्राणी हैं, उनकी कैटेगरी 84 लाख जीवायोनि, हम जो बार बार बोलते हैं वो कैटेगरी आपको बताता हूं, ताकि आप ये प्रमाणिक हो सके कि 84 लाख जीवायोनियां कौन सी है जिनमें संवेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है, और जो फीलिंग्स होती है उनका कम से कम उनका वर्गीकरण तो हमें मालूम होना चाहिए। जब ही हम सजीव और निर्जीव की जो है तुलना कर पाएंगे और उनका डिस्टिंक्शन कर पाएंगे, उनकी भेद रेखा खींच पाएंगे, और तभी हम अहिंसावादी बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रिन्द्रिय, 2 लाख चतुरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंच पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनिया इसके अंदर भ्रमण करती रहती। कैसे भ्रमण करती है कि पुराने जमाने में जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, तो रेलवे, हर रेलवे स्टेशन पर एक गोला हुआ करता था। उस गोले के अंदर एक जो है चक्कर होता था, उस चक्कर के अंदर 24 गोले लगते थे और एक गोला ही एक समय में निकलता था, और बाकी 24 घूमते रहते, उसकी परिधि पे एक गोला जो बाहर निकलता था वो एक तरह का आईडी होता था। वो जो है एक चक्कर में बांध करके और ड्राइवर को दिया जाता था, जब वो इंडिकेशन था कि हमने आपको सिग्नल दे दिया है, अब ट्रेन आगे चली जाती, अगले वाला अगला निकालता, अगले वाला। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, मैं पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जैसे 24 जो है गोले घूमते रहते हैं, उस तरह से 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये प्राणी घूमते रहते हैं।